हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनल और सोनल दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग में मैंने जस्ट बात बात लिया और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी सेव पूरी। ये मुंबई की बहुत ही स्पेशल स्ट्रीट फूड है और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बहुत खाती हूँ सेव पूरी। एक तो ये जल्दी बन जाता है और बहुत ईजी है, मतलब कम सामान में आप अच्छे से बना सकते हो। बस इसे अच्छे से डेकोरेट कर दो, क्या लगेगा, मतलब स्ट्रीट फूड में जैसा मिलता है ना, आप वैसा बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हो और इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन बटन है तो प्लीज उसे ऑल कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और बनाते हैं सेव पूरी। तो फ्रेंड्स, एक बात तो मैं बताना आपको भूल गई कि आज है वैलेंटाइन डे। वैसे मैं वैलेंटाइन डे तो मनाती नहीं हूँ क्योंकि आज इंडिया के लिए एक ब्लैक डे भी था, क्योंकि इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, तो मैं सेलिब्रेट नहीं करती। वैसे भी प्यार का कोई दिन नहीं होता, अगर प्यार है तो हर दिन वैलेंटाइन डे है। सो फिर भी मेरे हबी ने एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट दिया तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली है। फ्रेंड्स, आप जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, सेव पूरी बनाने के लिए पहले हम हरी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया और थोड़ी सी ग्रीन चिली ले ली है, मैंने 4-5 ले लिया आप देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा चटनी रहता है ना, तो इसमें ज़्यादा तीखा की ज़रूरत रहती है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया लूँगी और मैं इस धनिया को थोड़ा साफ करके लेके और इसमें डाल देती हूँ, जिससे हमारी चटनी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट यही होता है धनिया। धनिया से ही हमारी चटनी का जो स्मेल या फ्लेवर आता है वो अच्छा होता है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी गाढ़ी है, आप इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, ऐसे ही गाढ़ी भी चलेगी, लेकिन अगर आप सेव पूरी पे फैलाएंगे तो अच्छा होगा। अब फ्रेंड्स, हम मीठी चटनी बना लेते हैं। अगर आपने मेरी मीठी चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो मैं सजेशन में लिंक डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें, मैंने इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी मीठी चटनी, एकदम गाढ़ी है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी तो ये पतली हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम आलू को बॉईल कर लिया, अब इसे हम छील कर मैश कर लेते हैं, अच्छे से हम मैश कर लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है सेव पूरी के लिए, जो मेन जो रहता है वो आलू ही है, तो हम इसे मैश कर लेते हैं। मैंने 4-5 आलू लिए हैं, अब मैं इसे अच्छे से मैश करूँगी। फ्रेंड्स, हम इसे मैसर से अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहो तो हाथ से भी यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा गर्म है, इसके लिए मैंने मैसर का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो, मैं अच्छे से मैश हो चुका है हमारा आलू। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनता है, मतलब कि
आप एकदम फटाफट बना सकते हो इसे, और ये बहुत टेस्टी भी होता है, और रेसिपी तो इसकी बहुत ईजी है। तो आप इसे कब जब भी आपका मन करे, या फिर इवनिंग स्नैक्स में मन करे तो भी आप बना सकते हो, या फिर ब्रेकफास्ट में मन करे तो भी बना सकते हो। तो मैं ब्रेकफास्ट में इसे बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा आलू अच्छे से मैश हो चुका है, तो हम आगे का काम कर लेते हैं। और मुझे जो चाहिए था, मैंने ऑनियन को चॉप करके रख लिया है, एकदम रफली चॉप किया, एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में ही आप चॉप करें। और मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर भी चॉप करके रखा है, इसे भी हम एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये है हमारा चाट मसाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाज मसाला। और ये रही हमारी चटनी, हरी हरी चटनी, कितनी अच्छी लग रही है हरी हरी चटनी फ्रेंड्स, ये बहुत तीखी है। सो और ये रहा हमारा मीठा चटनी, खट्टा मीठा इमली का चटनी। सो फ्रेंड्स, ये इसे मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया, क्योंकि गर्म गर्म जब हम स्प्रेड करेंगे पूरी पे तो इसका टेस्ट एकदम अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पूरी, ये मैंने मार्केट से लेकर आई हूँ। और ये रहा मेरा मेन इम्पॉर्टेंट सेव पूरी में, जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है वो है सेव, ये इसके बिना सेव पूरी अधूरी रहती है, तो ये बहुत ही है। और ये इतने सारे चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे कर लिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। सो फ्रेंड्स, मैंने प्लेट में पूरी को अच्छे से सजा लिया, मुझे जितनी भी पूरी, आप जितना चाहो उतना पूरी डाल सकते हो, तो मैंने 4-5 प्लेट में लगा रही हूँ। अब मैं सबसे पहले आलू जो हमने मैश करके रखा था, अब मैं उसमें आलू को थोड़े आलू लेके सारे पूरी पे रख दूँगी। फ्रेंड्स, आप चाहो तो आलू को कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप मैश करके डाल रहे हो तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये मुंह में जाता है ना तो पूरा आलू ऐसे फैल जाता है, और कट करके डालोगे तो कहीं रह जाता है, कहीं गिर जाता है, इसके वजह से आप मैश करके ही डालो। सो फ्रेंड्स, हम सेव पूरी बना लेते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, तो मैं पूरी पे आलू डाला, फिर मैंने प्याज डाला। प्याज फ्रेंड्स, याद से आप छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटे, नहीं तो ये फिर इधर उधर गिरने लगेगा। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, टमाटर थोड़ा थोड़ा डालेंगे फ्रेंड्स, हमारे टमाटर डालने से हमारे सेव पूरी का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हम इसमें हरी धनिया की चटनी डाल देते हैं, ये बहुत तीखी है फ्रेंड्स, इसलिए आप अगर जिसे तीखा पसंद नहीं है तो ये थोड़ा कम ही डालें। और सबसे मेन चीज़, हम इसमें मीठी वाली चटनी डालते हैं, ये खट्टी मट्टी चटनी हमारे सेव पूरी के टेस्ट के फ्लेवर को और भी बढ़ा देती है। सो हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। और अब हम इसमें डालते हैं चाट मसाला, फ्रेंड्स चाट मसाला टेस्ट के फ्लेवर को और दुगना कर देता है। अब हम इसमें सेव डाल देते हैं फ्रेंड्स, सेव को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे ताकि ये पूरा ढक जाए। तो ये देखिए हमारा एक प्लेट रेडी हो चुका है, कितना टेस्टी और यमी लग रहा है, देख सकते हो फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं दूसरा प्लेट भी सजा लेती हूँ, तो वही मैंने पूरी पे आलू को रख दिया। फ्रेंड्स, आलू को एकदम दबा के रखेंगे ताकि ये हिले नहीं, पूरी और आलू अलग ना हो, क्योंकि इसके ऊपर हमें प्याज भी डालनी है और टमाटर भी डालनी है। तो मैंने थोड़े थोड़े आलू को दबा के रख दिया। तो फ्रेंड्स, कितना इजी है ना इसे बनाना, बहुत इजी है, मतलब कि आपने प्याज डाला, टमाटर डाला, फिर चाट मसाला, फिर हरी धनिया की चटनी, तो ये कितना इजी वे में बन जाता है। और ये मुंबई की बहुत ही स्पेशल स्ट्रीट फूड में से एक है, और फटाफट ये बन भी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप अगर बाहर खाने जाते हो उसमें बहुत सारी चटनी डाल देते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, लेकिन आप घर में बनाते हो तो आप खुद से बनाए हुए चीज़ों को डालते हो तो उसका टेस्ट एकदम अलग आता है, और यमी लगता है और हेल्दी भी लगता है, क्योंकि आप इसमें बाहर की कोई चीज़ें नहीं डाल सकते। फ्रेंड्स, हरी धनिया की चटनी को तो आपको फ्रेश बनाना होगा, लेकिन फ्रेंड आप मीठी वाली जो खट्टी मीठी चटनी है ना, तो आप उसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हो आप, ये क्योंकि ये बहुत टाइम तक चलता है और ये ख़राब नहीं होता। और फ्रेंड्स, आप इसमें चाट में यूज़ करो या फिर कुछ भी चीज़ें आप बनाओ ना, तो खट्टी मीठी चटनी का स्पेशल फ्लेवर हर चीज़ में आ जाता है, तो आप इसे बनाना ज़रूर। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है, मैं सजेशन में लिंक भी डाल दूँगी, जिसमें मैंने खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी डाली है, तो आप वहाँ पे जाना और ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, सेव पूरी में जब सेव डालते हैं ना, उसका फ्लेवर अलग ही होता है, तो आप इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेन इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप इसमें भर भर के सेव डालना, और ऊपर में हम हरी धनिया से गार्निशिंग कर देंगे, जिससे हमारा
फ्लेवर और भी निखर के आता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेव पूरी बन के रेडी हो चुका है, तो आप इंजॉय करना सेव पूरी बना के। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।